दिल्ली में आज से दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल शो, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कई देश के कलाकार पेश करेंगे कार्यक्रम। 35 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद, लेकिन 5 करोड़ के जुर्माने पर अभी तक सस्पेंस। देश छोड़ने पर विजय माल्या ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा सांसद हूं, भगोड़ा नहीं, कानून पर है भरोसा। तो शिवसेना ने सरकार पर बोला हमला, कहा दाऊद को भारत लाने वालों के सामने से भाग गया आर्थिक आतंकवादी। पाकिस्तान ने भी दी कन्हैया को प्यार की थपकी, कश्मीर पर सेना विरोधी बयान को बताया भारत का सच, प्रोफेसर निवेदिता के देश विरोधी बयान का भी जिक्र। इशरत जहां केस में चिदंबरम की भूमिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में गुजरात के पुलिस अफसरों पर चल रहे केस हटाने की मांग, चिदंबरम पर है इशरत की सच्चाई छिपाने और हलफनामा बदलवाने का आरोप। नागौर में आज से 13 मार्च तक चलेगा आरएसएस का अखिल भारतीय सम्मेलन, शिक्षा, चिकित्सा और समाज पर होगा मंथन, कार्यक्रम में सीएम राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेता होंगे शामिल। विधानसभा में आज भी बजट पर होगी बहस, पिछले 2 दिनों से बजट पर बहस के दौरान सदन में चल रहा है हंगामा, आज भी हंगामे के आसार। भरतपुर में दहेज के लोभियों को 2 लड़कियों ने सिखाया सबक, दहेज की बढ़ती मांग पर शादी करने से किया इनकार, समझाइश में जुटा प्रशासन। बूंदी में सामने आया नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला, घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, आरोपियों की बाइक को किया आग के हवाले। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आज पीड़ित की कॉल डिटेल पर आ सकता है फैसला, आरोपी आसाराम के बचाव पक्ष की अर्जी पर कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस।